इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कई बड़ा बने का जो जन्मदाता है वो मनोभाव है। कई बड़ा बने का जो जन्मदाता है वो ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद यानी यहूदीवाद है। यहूदी और ब्राह्मण अलग अलग नहीं है, दोनों का नस्ल एक है। पूरा दुनिया में इंसानियत के खिलाफ जो हो रहा है वो इजराइल का यहूदीवाद है, भारत का ब्राह्मणवाद है, अमेरिका का साम्राज्यवाद है। ये बहुत खतरनाक है तीनों वाद। ये जो विचारधारा है जहर बोलने का, जहर फैलाने का विचारधारा, पूरा दुनिया को तबाह कर दिया उन लोगों ने। सिर्फ पूरा दुनिया में 3.5% लोग हैं, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा आबादी हम लोगों का है भारत में। भारत में भी वो यहूदी नस्ल के ब्राह्मणों का आबादी भी 3% है। हम सारे लोगों को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है। 100-200 सालों से नहीं, हजारों सालों से। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने आंदोलन छेड़ा, बहुत बड़ा कुर्बानी दी हमारा आजादी के लिए, हम लोगों को आजादी दिलवाने के लिए। बहुजन समाज को उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग है, लिंगायत है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हम तो सारे हैं। इस देश के मूल निवासी है। ब्राह्मण विदेशी है। विदेशी लोग इस देश के मूल निवासी लोगों पर कब्जा करने के लिए, हुकुम करने के लिए वो लोग षड्यंत्र करते हैं। सबसे बड़ा ये समस्या है। दोस्त और दुश्मन का सही पहचान हम नहीं कर रहे, चाहे लिंगायत है, मुस्लिम है, SC ST के लोग है। हम लोग दुश्मन को और उनका षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हैं। शायद आप लोग समझे हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन अभी हमारे लिंगायत लोग इससे बहुत पीछे है और बहुत सारे लोग समझे भी हैं। इसलिए तो लिंगायत धर्म अलग है, हिंदू धर्म से हमारा अलग है, हमारा कल्चर अलग है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो आचरण है पूरी तरह से वैदिक धर्म के विरोध में है। कुछ संबंध नहीं है, क्योंकि 1200 सदी में बसवाणा ने जो आंदोलन की, 770 शरण लोग थे, वो सभी जाति के लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी के, उस अनुभव मंडप के मेंबर थे वो सब। समता के लिए वो काम करते थे। वहां एक सूफी संत भी था, अफगानिस्तान से आए थे वो, बरोड़ शंकर उनका नाम बदल गया यहाँ आने के बाद। सभी लोग थे उसमें, और जो आंदोलन था जाति व्यवस्था के विरोध था, गैर बराबरी के विरोध में था, अंधश्रद्धा के विरोध में था, चातुर्वर्ण के विरोध में था, जाति भेद, वर्ग भेद, वर्ण भेद और लिंग भेद के खिलाफ वो आंदोलन। बुद्धा के बाद सबसे बड़ा आंदोलन। शरणों पर वचन पढ़ो, वचन में सारे वचन में वेद, शास्त्र, आगम, पुराण, गीता, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है उन सभी ग्रंथों को उन्होंने खंडन किया, नाकारा। बसवण्णा का वचन है वेदों पर खड़ग चलाओ, वो खुद कहते वेदों पर खड़ग चलाऊंगा, तर्क का पीठ पर चाबुक चलाऊंगा, आगम की नाक काटूंगा। देखो कितना स्ट्रांग शब्द में उन्होंने बयान किया है, उसका विरोध किया है। और सिर्फ बसवण्णा का नहीं, जितने भी महापुरुष शरण हो गए 770 लोगों, उन सभी का वचन में यह है। वो किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं मानते थे, वेद प्रमाण नहीं मानते थे, शास्त्र प्रमाण नहीं मानते थे, पुराण आगम उपनिषद का प्रमाण नहीं लेते थे। इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके ऊपर हमला, ब्राह्मणों ने हमला किया, अनुभव मंडप को आग लगाई, शरण ने जो वचन लिखी थी वचन ग्रंथों को आग लगा दिया, शरणों का सामूहिक नरसंहार हुआ, हत्या हुआ, कत्लेआम हुआ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं लिंगायत लोगों को, आप लोग भी पूछ सकते हैं। 1200 सदी में जो बसवण्णा का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को खत्म कौन किया, किसने किया, क्या मुसलमानों ने किया, ये प्रश्न पूछना चाहिए। वचन साहित्य को जला डाला, क्या मुसलमानों ने जला डाला।
अनुभव मंडप को आग लगाए, शरणों का हत्या हुआ, रक्तपात हुआ, खून का ऐसा नदी बहते थे उतना भयंकर, 196,000 कार्यकर्ता से करते प्रचारक उनका हत्या हुआ। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है 1200 सदी में, खुद निगम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि उन लोगों पर ये चढ़ने वाले लोग बहुत काम किए हैं, उन लोगों का ब्रेन वॉश किया है और ये लोग गुलाम बन रहे हैं, गुलाम बन चुके हैं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और झूठा राष्ट्रपति के नाम। बाबा साहब ने कहा बदमाश लोगों को आखिरी रास्ता है देशभक्ति, बाबा साहब ने लिखा है ऐसा, बदमाश तो कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता, तब वो लोग क्या करते हैं देशभक्ति का जो विचार है उसका जो चोला है वो पहनते हैं, जो चोला है डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है। जो लोग बाहर से आए हैं उनको ये देश ही नहीं, वो लोग हमें सिखा रहे हैं देशभक्ति, असल में इस देश का है ही नहीं, वो लोग वो हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग नालायक बन गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे कहना यह है बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो संविधान लिखने के पीछे से लेकर महावीर बसवनाथ से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले शाहू महाराज तक बहुत बड़ा कुर्बानी, अब वो संविधान का निर्माण हुआ है, खुद बाबा साहब अपना सब कुछ त्याग किया समस्त भारतीय भोजनों के लिए, हम लोगों को समान न्याय दिया उसमें, नैतिकता की उसमें, समानता का विचारधारा है उसमें, वहां कुरान का विचारधारा है, वचन का विचारधारा है, त्रिपिटिका का विचारधारा है, गुरु ग्रंथ साहिब का विचारधारा उसमें है, और हमारा देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। देखो ब्राह्मण का बाप मनु ने मनुस्मृति लिखा, उसमें हम सबका जो हिस्सा है उन्होंने खत्म किया, हम सबको गुलाम बनाया, नरक का द्वार बताया महिलाओं को, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न की अधिकार, ऐसा लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी इनको मारना चाहिए, ताड़न करना चाहिए, पीटना चाहिए, ढोल को ढोल बजाने से आवाज आता है, गवार को मारना चाहिए, पशु को मारना चाहिए, उसी तरह शूद्र को भी मारना चाहिए, यानी मनुस्मृति के आधार पर हम सर्व शूद्र है, चाहे लिंगायत है, जंगम है, जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, एससी एसटी ओबीसी के आप सब शूद्र है, शूद्रों को पीटना चाहिए, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी ताड़न करना चाहिए। हाँ यही तो महापुंचिंग है ना, मनुस्मृति में लिखा है महापुंचिंग करने का, और उसी आधार पर महापुंचिंग हो रहा है, यानी हमारा गिनती इंसान के साथ हमारा गिनती नहीं होता था, हमारा गिनती जानवरों के साथ करते, सुअरों के साथ करते थे, कुत्तों के साथ करते थे, ये मनु संविधान। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसमें किसी को भी अन्याय नहीं किया, उन्होंने जो लोग हमें 5000 साल से गुलाम बनाया है उनको भी संविधान में उन्होंने अधिकार, देखो कितना महान विचारधारा है, जो लोग तकलीफ दे हमें, त्रास दिए, गुलाम बनाए, उनको अधिकार देना नहीं चाहिए था, फिर भी उनको अधिकार दिया, ठीक है आप इस देश के हैं, ठीक है बाहर से आए हो लेकिन इस देश के रहने वाले हैं, आपको भी अधिकार, यानी सबका समान अधिकार उन्होंने दिया। लेकिन ईवीएम नाम का एक भयंकर षड्यंत्र उन्होंने आना है, और उस ईवीएम की वजह से हम लोग अभी शोषण का शिकार हो रहे हैं। आप सबको मेरा यह कहना है, हमारा दीन बचाने के लिए, इस्लाम का विचारधारा को बचाने के लिए, आपका हक अधिकार बचाने के लिए, लिंगायतों का विचारधारा को बचाने के लिए, सभी धर्मों का विचारधारा, आचार विचार जो है उसको बचाने के लिए, हम
ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, राष्ट्रव्यापी जो जन आंदोलन शुरू है उसमें शामिल होना चाहिए। आपको हमारा साथ चाहिए, हमारा साथ आपको चाहिए, एक दूसरे खड़े होकर ये काम करना चाहिए। मैं लिंगायत हूं क्योंकि लिंगायत धर्म के संविधानिक मान्यता चाहिए, संविधान नहीं बचा तो संविधानिक मान्यता कहां मिलेगा। पहला हमें संविधान बचाने का काम करना चाहिए, तब जाकर हमें संविधानिक मान्यता मिलेगा। उसी तरह मुसलमानों का भी जो हालत है 60-70 साल में बहुत भयंकर हालत बन चुका है, इस देश में एससी/एसटी के भी भयानक बदतर। क्योंकि मैं खुद सच्चर आयोग का जो रिपोर्ट है वो पढ़ा हूँ, इंटरनेट से डाउनलोड करके, कन्नड़ भाषा में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मैंने वो पढ़ा। उसमें लिखा है मुसलमानों का जो हालत है इस देश में बहुत ही खराब है, सबसे ज्यादा खराब हालत मुसलमानों का, बद से बदतर, ऐसा उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन मुसलमानों ने इतना बड़ा आबादी है, आप लोगों ने सरकार निर्माण करने के लिए आपका सबसे बड़ा हाथ है। 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस को जितवाने में सबसे बड़ा जो रोल है तो मुसलमानों का। लेकिन कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, क्या बीजेपी क्या देगा? ये तो खत्म करने का सोच रहे हैं हम सब। इन बातों को आप ध्यान में रखना चाहिए। हम भी ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, आप भी ब्राह्मणवाद से पीड़ित है। हम सबको एकजुट होना चाहिए, हम सबका दुश्मन एक ही है और हम सबका मकसद भी एक ही है। उसके लिए हम सबको एकजुट आना ही पड़ेगा। हजरत सज्जाद मौबानी साहब इसमें है हमारे साथ, इस जंग में वो शामिल है। वामन मेश्राम जी है, वली रहमानिया जी है, क्योंकि मैं उनके साथ प्रोग्राम किया हूँ, चर्चा किया है। हम लोग दिल्ली में 8 दिन तक हम लोगों ने मीटिंग रखी थी इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बिशप जी है, कामले जी है, क्रिश्चियन धर्मपुर है, सिख लोग, सिमरनजीत मान साहब है अमृतसर से, आदिवासी के लोग है, बुद्धिस्ट का लोग है, सभी धर्म के लोगों ने मिलकर ये आंदोलन कर रहे हैं। और आपको भी साथ देना चाहिए, क्योंकि कुरान में लिखा है किसका साथ देना चाहिए, मजलूमों का साथ देना चाहिए। जालिमों का साथ हमें नहीं देना चाहिए। आप जालिम का साथ देते हैं तो आपको अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। मजलूम का साथ देना चाहिए क्योंकि हम भी मजलूम हैं, आप भी मजलूम ही हैं, आप भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, डरे हुए हैं इस देश में, इसलिए हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। ये यात्रा शुरू हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है, इसमें पूरी तरह से हम लोग शामिल हो गए हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाले आने वाले समय में, इस देश का पूरा व्यवस्था बदलने के लिए ये काम चालू है। इस व्यवस्था बदलने का जो क्रांतिकारी जो आंदोलन है, जंगी आजादी कहते हैं इसको, असल में ही जंगी आजादी है। हम सब लोगों का भोजनों का आजादी के लिए ये सब हो रहा है। लिंगायत भी गुलाम है, मुस्लिम गुलाम है, SC/ST भी गुलाम है, मनुवादियों का, उसके खिलाफ हम लोगों को लड़ने का है। नया नया कानून बना के हमारा हक अधिकार छीन रहे है। आप आवाज नहीं उठे तो आने वाले जो हमारा पीढ़ी है वो खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगा। सबसे भयानक बात यह है, हम जुल्म सहन करते रहे और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो अल्लाह ताला हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम सबको मिलकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक है, हम सबका DNA एक है, हम सबका नस्ल एक है। इस देश का ब्राह्मण छोड़ के हम सारे लोग एक DNA के हैं, इसलिए हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, दोस्त और दुश्मन के सही पहचान करना चाहिए। ईवीएम का सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा षड्यंत्र है, इसको खत्म करने के लिए
आप सबका साथ सहयोग का जरूरत है। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज देने का, लोगों में इकट्ठा करने का काम आप लोगों को करना चाहिए। आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत हम लोगों को खड़ा करने का है, इसलिए हम लोगों की यात्रा कर रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुआ आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम याद रखा। आप लोग हमें साथ सहयोग देंगे, जरूर देंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। धन्यवाद। सर्वोच्च नाम दे। जय बसवंडा। जय भारत।